Today we will learn chapter number 15, A Karvachi from class 5. So let's start. John Ramson was going to Baghdad with a caravan of 20 camels. John Ramson जो थे वो बगदाद जा रहे थे एक कारवा के साथ. कारवा means होता है जत्था या ग्रुप बोल सकते हैं, जो कि 20 camels का एक ग्रुप था. The chief of the caravan was a tall, strong native, a man with a look of intelligence on his face. और उस कारवा का जो चीफ था, चीफ मीन्स होता है बेटा मुखिया, वो एक बहुत ही लंबे कद का मजबूत और ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे को देखकर ही समझ में आ जाता था कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है. His name was Ahmad Ali. उसका नाम अहमद अली था. His words was not to the 19 man in the caravan. और अहमद अली द्वारा कहे गए शब्द उनके कारवां में 19 लोगों के लिए एक कानून के समान होते थे, जिसे उन लोगों को मानना ही पड़ता था. एंड दे ओबेड हिम विदाउट क्वेश्चन. और वो सारे लोग उस कानून को मानते थे बिना किसी सवाल को किए. रैमसन हैड विद हिम अ लेदर बैग इन विच ही कैप्ड 100 पीस ऑफ ऑक गोल्ड. रैमसन जो थे उन अपने साथ में एक लेदर का बैग रखते थे और उस लेदर के बैग में 100 या 100 स्वर्ण मुद्राएँ होती थी. He counted the money every day during his journey to make sure that it was safe. और वो प्रतिदिन अपने जो सोने के सिक्के थे उनको काउंट करते थे ये श्योर करने के लिए, ये निश्चिंत होने के लिए कि उनके जो सिक्के हैं या गोल्ड कॉइन्स हैं या सोने के टुकड़े जो हैं वो सेफ हैं. One day he found his box open and the bag was gone. एक दिन उन्होंने क्या पाया कि उनका जो बॉक्स है वो खुला हुआ है और उसमें सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग नहीं है. रैमसन टोल्ड अहमद अली अबाउट इट. रैमसन ने इस बारे में अहमद अली को बताया. द चीफ थॉट ओवर इट फॉर अ फ्यू मिनट्स. और जो मुखिया थे उन्होंने इस बारे में कुछ मिनट सोचा, कुछ पल सोचा. देन ही सेड वी आर नॉट मूविंग कैंप टुडे. और उन्होंने अपने सारे अनुयायी से ये कहा कि आज हम अपना जो कैंप है यहाँ से नहीं हटाएंगे, आज हम यहीं रुकेंगे. वी विल स्टे हियर. आज हम यहीं रुकेंगे. द सैडल्स हैव टू बी मेंडेड. सैडल्स मीन होता है बेटा जो घोड़ों के ऊपर लेदर सीट होती है जिसपे घुड़सवार बैठता है और घुड़सवारी करता है, उसे हम सैडल्स बोलते हैं. तो वो अपने जो 19 लोग हैं उनसे क्या बोल रहे हैं कि जो सैडल्स हैं उन्हें रिपेयर करना है. एंड वी हैव टू अटेंड टू 2 or 3 डोंकीज, दे हैव लॉस्ट देयर शूज. और हमें 2 or 3 डोंकीज को अटेंड करना है जिनके कि शूज जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं. आई विल सी दैट यू गेट योर गोल्ड बिफोर इवनिंग. और उन्होंने जॉन रैमसन से क्या कहा कि मैं आपको आपका सोना शाम के पहले वापस दिलवा दूंगा. प्लीज़ गो एंड हैव रेस्ट. आप जाइए और आराम करिए. देन द चीफ वेंट इन टू हीज ओन टेंट. और इसके बाद जो मुखिया थे वो अपने टेंट में चले गए. ऑल दो द लॉन्ग मॉर्निंग आवर्स, काफ़ी समय सुबह का टाइम बीत गया. ही वॉज नॉट टू सीन अराउंड हिज कैंप. और अहमद अली जो थे अपने कैंप के बाहर कहीं भी दिखाई नहीं दिए. एट नून, दोपहर के समय भी. वेन रामसन वेंट टू फाइंड अली, जब अली जी को ढूंढने गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनका टेंट तब भी बंद था. अली हैड आस्क्ड हिज पीपल नॉट टू डिस्टर्ब हिम. और अहमद अली ने अपने सारे लोगों को कहा गया था कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए. व्हेन ही केम आउट टू द टेंट इट वॉज ऑलमोस्ट सनसेट. और जब वो अपने कैंप से बाहर आए, अपने टेंट से बाहर आए, तो लगभग सूर्यास्त का समय हो चुका था. आफ्टर डिनर ही सेट ऑन हिज बॉक्स एट द सेंटर ऑफ द कैंप. और डिनर के बाद अहमद अली जो थे वो बड़े से बॉक्स पर बैठ गए कैंप के बीचों बीच. एंड आस्क्ड रैमसन टू सिट बाय हिज साइड. और उन्होंने रैमसन से कहा कि वो भी उनके पास बैठ जाए. ही कॉल्ड ऑल हिज फॉलोवर्स. उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को बुलाया. एंड आस्क्ड देम टू सिट इन अ लाइन इन फ्रंट ऑफ हिम. और सभी को कहा कि वे लाइन बनाकर उनके सामने बैठ जाएं. तो फॉलोवर्स इमिडिएटली ओबेड हिम. जो फॉलोवर्स थे उन्होंने इमिडिएटली तुरंत ही उनकी आज्ञा का पालन किया. दे सैट इन साइलेंस फॉर 5 मिनट्स. साइलेंस मीन शांति से. और वो शांतिपूर्वक 5 मिनट बैठ गए. देन अली सैट टू हिज फॉलोवर्स. तब उन्होंने अपने फॉलोवर्स से क्या कहा. यू हैव पुट मी टू शेम बिफोर द स्ट्रेंजर बाय स्टीलिंग हिज मनी. मेरे लिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक अनजान
जो अजनबी हैं उनका पैसा चुरा लिया है। आई विल फाइंड द थीफ राइट नाउ, मैं चोर को अभी पकड़ लूँगा। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स हिज टेंट एंड कंटिन्यू, पॉइंटेड मतलब इशारा करना। अहमद अली ने अपने टेंट की तरफ इशारा किया और क्या कहा, यू सी दैट द फ्लैग ऑफ माई टेंट इज क्लोज, आप ये देख सकते हैं कि अभी तक मेरा टेंट जो है वो बंद है। देयर इज अ प्लेट इन साइड द टेंट, मेरे टेंट के अंदर एक प्लेट रखी हुई है, विच विल हेल्प मी टू फाइंड द थीफ, और वो प्लेट मुझे मदद करेगी चोर को ढूंढने में। ईच वन ऑफ यू मस्ट गो इन टू द टेंट एंड टच द प्लेट, आप में से हर कोई जाएगा और उस प्लेट को टच करेगा। इफ एन इनोसेंट मैन टचेज इट ही विल नॉट बी हार्म्ड, इनोसेंट मीन्स होता है बेटा निर्दोष, और हार्म मीन्स होता है नुकसान। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति होगा तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट इफ द थीफ टचेस, लेकिन यदि चोर व्यक्ति उसको छुएगा, हिज हैंड विल गेट कॉट इन इट, और वो तुरंत हाथों हाथ समझ में आ जाएगा, एंड वी विल फाइंड द थीफ, और हम उसे पकड़ लेंगे। ऑल द मैन सेंट इन टू द टेंट वन आफ्टर अनादर, और एक के बाद एक करके सारे व्यक्ति जो थे टेंट के अंदर चले गए। कैम आउट एंड सैट इन अ लाइन, और बाहर आकर वो एक लाइन में बैठ गए। नोबडी हैंड हैड बीन कॉट इन द प्लेट, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके हाथ उस प्लेट से चिपक गए हों। अली वेंट टू ईच वन ऑफ देम, अली उन सबके पास गया एक एक करके, बेंड डाउन घुटनों के बल झुका, एंड स्मेल्ड हिज पाम, और उनकी जो हथेलियाँ थी पाम थी उनको सूंघा। वेन ही केम टू द 12th मैन, लेकिन जब वो 12वें आदमी के पास आया, ही स्टूड होल्डिंग दैट मैन्स पाम टू हिज नोज फॉर सम टाइम, तो उसने उस 12वें व्यक्ति की हथेलियों को पकड़कर अपनी नाक के पास कुछ समय के लिए रखा। देन ही सेड, तब उन्होंने क्या कहा, यू आर द थीफ, तुम चोर हो, गो एंड ब्रिंग द गोल्ड, जाओ और सोना लेकर आओ। इफ यू डोंट, यदि तुम नहीं गए, आई विल किल यू राइट नाउ, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। द मैन फेल इनटू हिज नीज, वो जो आदमी था वो घुटनों के बल बैठ गया। एंड बेग्ड हिज चीफ टू स्पेयर हिज लाइफ, बेग्ड मतलब क्षमा याचना करना, और स्पेयर मतलब छोड़ देना या मुक्त कर देना। तो वो जो आदमी था वो घुटनों के बल बैठ गया और अहमद अली से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। आई गिव यू 3 मिनट्स, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ टू ब्रिंग द गोल्ड हेयर, सोना यहाँ लाने के लिए। अली सेड, द मैन वेंट टू द प्लेस वेयर ही हैड हिडन द बैग ऑफ गोल्ड, वो जो आदमी था वो गया और तुरंत ही वो सोना जो उसने चुराया होता वो वापस लाकर दे दिया। अली रिटर्न टू द रैमसन, अली ने वो सोना जो था रैमसन को वापस कर दिया। When all the people had left, जब सारे लोग चले गए, रैमसन asked अली, रैमसन ने अली से पूछा, how to had found the thief, कि आपने चोर को कैसे ढूंढा। He said, उन्होंने क्या कहा, that he had put on a plate a liquid with a strong smell, तब अली ने रैमसन से ये कहा कि उन्होंने उस प्लेट पर जो कि टेंट के अंदर रखी हुई थी एक ऐसा लिक्विड लगाया था जो कि बहुत तेज स्मेल वाला था, जिसमें बहुत तेज सुगंध थी, और एक्सेप्ट द थीफ हैड टच द प्लेट, और चोर के अलावा सभी लोगों ने उस प्लेट को टच किया था। एंड देयर पाम्स गेव आउट द स्मेल, और उन सभी की हथेलियों से उस लिक्विड की सुगंध आ रही थी सिवा चोर को छोड़कर। सो बेटा, इट दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 15 अ कारवां चीर।